नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर निकल कर आई है, तो उसी खबर के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो मामले हैं तो उन मामलों के ऊपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अभी तक कोई भी तारीख जारी नहीं की गई थी। ऐसे में यहाँ पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका ईपीएफ से संबंधित यहाँ पर दाखिल की गई है, जो कि पहले के मामलों को मेल खाती है। और इस मामले के ऊपर सुनवाई करते हुए माननीय जस्टिस महोदय द्वारा इस मामले को भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित जो मामले हैं तो उन मामलों के साथ सूचीबद्ध किए जाने के लिए आदेश पारित किया है। साथ ही इन मामलों को कब सुनवाई के लिए लिया जा सकता है तो इसके लिए भी तारीख जारी की गई है, तो उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित हर अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि आगे जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए ये जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उच्च पेंशन से संबंधित जो मामले हैं तो उन मामलों की सुनवाई के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कंप्यूटर जनरेटेड तारीख यहां पर जारी की गई है, जो कि 12 जुलाई 2022 है। तो जी यहां पर यह जो टेंटेटिवली तारीख यहां पर कंप्यूटर जनरेटेड है तो उससे यहाँ पर जारी किया गया है। हाल ही में एक और नया मामला सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ से संबंधित और कर्मचारियों से संबंधित दाखिल किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार करते हुए आदेश दिया गया कि यह मामला पुराने जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामले हैं तो उन मामलों के साथ मेल खाता है और इनको भी उन मामलों के साथ जो है वो टैग किया जाए और इनको सुनवाई के लिए 12 जुलाई 2022 को लिया जाए। ऐसा आदेश इस मामले की सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं तो उन मामलों के ऊपर जो अंतिम सुनवाई है वो अगस्त 2021 में हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस महोदय द्वारा बताया गया था कि इन मामलों को लेकर जो अगली सुनवाई है वो 3 जजों की बेंच के सामने होगी। और अभी तक जो है वो 3 जजों की बेंच का गठन नहीं किया गया था। ऐसे में यहाँ पर ये जो एक अच्छी खबर निकल कर आई है तो उससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो लंबा इंतजार है तो वो खत्म हो सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से यही एक अपडेट था, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड तारीख है जिसमें 12 जुलाई 2022 यहाँ पर दिखाई दे रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के ये जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं तो इन मामलों को लेकर जो है वो सुनवाई हो सकती है। तो जी उम्मीद करते हैं कि जो 12 जुलाई 2022 की तारीख यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर कंप्यूटर जनरेटेड दिखाई दे रही है तो उस तारीख को जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को जो है वो सूचीबद्ध किया जाए। जो एडवांस कॉज लिस्ट यहाँ पर जारी होगी तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, वो कुछ दिनों पहले ही जारी होती है। तो जैसे ही 12 जुलाई 2022 आएगा तो उससे पहले कुछ दिनों के पहले जो है वो एडवांस कॉज लिस्ट जो है वो 12 जुलाई की जारी कर दी जाएगी, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं वो सूचीबद्ध किए जाने वाले हैं या नहीं किए जाने वाले हैं। जो भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के स्टूडियो में यही अपडेट था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगले अपडेट के साथ जल्दी हाजिर हूंगा, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है।
तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।